औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हम कल बाज़ार में शॉपिंग के लिए गए, ये क्या कुछ लाए हैं आपके साथ भी शेयर करते हैं, तो जो महंगाई है उसका भी आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे, ये हमारे पास एक जो बच्चे को नहलाने वाली चेयर थी वो नई थी, तो वो हमें बाज़ार में पसंद आई तो हम ये ले के आए हैं। आज हम आपको सबसे पहले यही दिखा देते हैं, तो ये देखें, ये पहले तो नहीं होती थी लेकिन आजकल तो भाई हर चीज़ ज़रूरत बन गई है बच्चियों की, है ना, ले तो जैसे गुजारा ही नहीं है। हमने भी बच्चे लगाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये देखें, ये बच्चियाँ कहती हैं हमने बच्चा इसी पे नहलाना है, वरना हमने तो भाई हाथों पे ही नहला ली, ये पाँव पे बैठाते हाथों पे बैठाते बच्चा नहा जाता था। बिस्मिल्लाह, ये देखें, इसको आपने इस तरह करके खोलना, खोल के अब आपने ये जो है ना आपकी, चले ये मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, ये इसको, हाँ जी नहीं अम्मी ऐसे यहाँ पे ऐसे, हाँ एक मिनट इधर रखें, इस जगह पे रखना है और इस क्लिप को यूं करके ना, ठहर गया ये, क्लिप अब ऊपर लगा, अगर यहाँ लगाना है ऊंचा करना तो ऐसे है, अगर आपने ज्यादा नीचा करना तो यहाँ पे कर ले, तो यहाँ बेबी का सारा आएगा, इधर टांगे होंगी। दूसरी बात ये है कि ये आपने फर्श पे रख के गर्मी में तो इधर उधर जहाँ आपका पानी वेस्ट हो जाए, पैप में चला जाए या पीटर में जिसमें भी है, ये नहीं कि आप कमरे के दरमियान में रख के इससे नला लेंगे, नहीं जी, इसके लिए भी आपको एक और बेबी टब लेना पड़ेगा। चले बोले ऐसे, ये देखिए नाज़रीन, इसको ऐसे बंद करना, आप बंद करके तो कोई आप ऐसे यहाँ लटका के तो लटका दे, क्योंकि गीला होगा तो पानी इसमें से पानी में चढ़ जाएगा, ऐसे करके लटका दे आप अपने किसी बाथ में, वहाँ से लें फिर खुशक करें, फिर इसको धोएं और फिर बच्चे को नहलाएं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ कहूँगी, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, आप भी खरीदें अपने बच्चों को नहलाएं। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें हैं, और ये मैंने बता दिया आपको कि भगवानपुरे से खरीदें, सस्ती मिल जाएगी, ऊँची दुकानों पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसके साथ अल्लाह हाफिज़। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारी शॉपिंग आज हम आपसे शेयर करते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, कुछ बेबी के शूज़ हैं, कुछ दो ड्रेस हैं, ये एक फ्रॉक है तो बड़ा यूनिक सा है, ये एक बेबी का जैकेट वाला, इसके साथ खोल के दिखाएं, मैं खोल के मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ, मैं तेज़ी से आपको सारा बता दूँ। ये बेबी हैंगर ली हैं, हैं ये चूड़ियाँ ली थी बच्ची ने अपने लिए, ये कुछ सारे फीडर ली हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको सारी प्राइस बताती हूँ, ठीक है। ये शूज़ का सेट ही है पूरा, यानी कि दो शूज़ हैं इसमें और हेयर बैंड वगैरह, तो इसके साथ एक ये क्या है, रैपिंग शीट ली, ये रैपिंग शीट है लेकिन ये अच्छी नहीं, ये मैंने वापस कर ली, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप भी देख लें, तो आप इसके ना फुफुंदड़े से निकल रहे थे, हालांकि 700 की ली है तो ये नहीं अच्छी निकली, ये मैं वापस करूँगी उनको, ठीक है। मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आप लेने वक्त ज़रा ख्याल रखें। अच्छा, ये हैंगर है जो मैंने 150 में, हाँ ऐसी है, ये बेबी के हैं, ये जो सारे फीडर हैं तकरीबन ना, ये शील्ड, ये 400-600 के लिए हैं, ये वाला 250 का, ये मैंने बड़े मॉलों पे यकीन करें 700, 600, 500, 400 से कम कोई भी फीडर नहीं है, कम से कम वाला फीडर 550 का था, तो मैंने देखें एक शॉप से लिए हैं जो बाहर भगवानपुरे में शॉप थी मेन बाजार में, तो वहाँ से ये मैंने 500 लिए हैं, ये मैंने 850 में सारे लिए हैं, तो ये दो लिए हैं, ये 300 में लिए हैं, इसमें स्टॉलर बेबी की चीज़ें भी टांग के आप वार्डरोब में लटका सकते हैं, बेबी हैंगर समझ लें या बड़ों के स्टॉलर। उसके बाद मैंने क्या इन्हें कहते हैं ग्लव्स मिटन, ये ग्लव्स लिए हैं, ये भी ये पहले हमारे पास एक ही था तो दो और ले लिए, ये आगे चल के भी इसके पूरे आ जाएंगे अगले साल में, तो ये दो हाई नेक के हमारे पास लेगियाँ पड़ी थी उनके साथ मैच करके लिए, ये 200 की मिली। अब क्योंकि अब मौसम आ गया सर्दी का, जब मैंने मौसम सर्दी से पहले खरीदी थी तो 100-100 रुपये में ये खरीदी, अब 200-200 में मिली, 250 कीमत बताई थी उन्होंने। ये हमने चेंजिंग सीट हमारे पास नहीं थी, कपड़ा बिछा लेते थे लेकिन बाजार गए तो मैंने कहा ये भी ले लेते हैं, तो ये दो ली हैं, 500 की, एक बंदा बैग में रख ले कहीं बाहर जाता तो बैग में ही होनी चाहिए, एक घर में इस्तेमाल हो जाएगी, 500 की, तो ये हमें उसने लगाई है 1000 की, दो ऐसी 77 की बता रहा था, लेकिन टोटल बिल उसने ना 8000 लिया था, अब किसमें क्या लेस किया, लेकिन वो 7 की बता रहा था तो कह रहा था इसमें मैं आपको, इसमें मैं नहीं करूँगा कुछ दूसरी चीज़ों में, कि इसमें नहीं किया था उसने, 77 ही किया था। अच्छा, इसका अच्छा, तो ये उसने दिए थे हमें, ये हमें जो
फेस टॉवल्स होते हैं और ये अच्छे वाले हैं, ये अच्छे वाले पहले वाले हमने लिखे थे वो म्यूजलिन स्टफ था। जो वर्किंग लेडी होती है बच्चा साथ रखती है प्रॉम में बिठाती है उनको ये इन रुमालों की तो जरूरत घर में भी पड़ती है लेकिन बाहर जाने वक्त शादी ब्याह कहीं भी जाएं तो आप ये टॉवल साथ रखें। दूध गिराया साफ करना, टिश्यू पेपर भी रखें, ये भी रखें, बिब भी लगाएं इसको। तो ये हमने ये भी लिए, बिब भी लिए, अभी दिखाते हैं। तो ये लिए हैं, तो ये उन्होंने ये भी 700 का बताया था, तो मेरे साथ 6 का लगाया है। अभी हमारे पास कार्ड है उस पर सारी प्राइस लिखी, मैं दोबारा भी आपको बता दूंगी। तो ये जो है 450 के 3 है, एक की कीमत 150, ये 3 का पेड़ और ये हमने बड़ा इसलिए लिया कि बहुत दूध फेंके तो सारे कपड़े खराब कर देती है। आप ऐसे बटन स्टिच कर दें तो हाँ। फिर भी इसमें ना नीचे वो कहते प्लास्टिक चीज है, कपड़ा हाँ। आपका नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ वो आप एक ना इससे भी बड़े मिलते हैं, वो मैं आपको कभी ला के दिखाऊंगी। वो पूरे फ्रॉक के ऊपर आ जाते हैं, जैसे वो जरा बड़े बेबी को लगते हैं, लेकिन लगाएं इसको ताकि पूरे कपड़ों में बाज का एकदम से उल्टी करता बच्चा सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। लगाना वो चाहिए मगर होता ये है, वो लगाना चाहिए। तो इसके बाद ये देखें आपको ये वो माशाल्लाह वाली कैप देखो, इधर से देखो वो भी, ये भी शूज है दूसरे, ये देखो हाँ सच, ये एक माशाल्लाह वाली कैप ये है। हमने ऑनलाइन देखी थी 350 की, उसने हमें 250 की दी है ना, 250 की थी, मैंने कहा 2 लगाए लेकिन पता नहीं उसने 250 लगाए, ये हमें ये दूसरे भी, ये दूसरे भी आप ये हाथ के लिए, तो ये भी उन्होंने 150-150 में 450 की, हाँ ये इसी तरह 900 था इनका, पता नहीं क्या किया, जब टोटल बिल उन्होंने 8 का बताया, ऊपर के 400-500 के वो छोड़े थे समझ में, 50-50 छोड़े होंगे सामने से। अच्छा जी, उसके बाद ये लिए हैं रोमपर्स, नहीं है ये रोमपर्स है, 3 है बड़े साइज के और 3 छोटे साइज, और एक एक निकाल के भी खोल के दिखा दूं, 3 है मैं आपको अभी निकाल के दिखा दूं, खोल के दिखा दूं, 3 छोटे 3 बड़े, ये आपको मैं एक बड़ा दिखा देती हूँ, कैसे खोलना इधर से पीछे से, हाँ पीछे से खुलेगा, हाँ जी एक ये आप अभी पहने इसको, ये देखे ये देखिए आपका पैम्पर कैरी होगा, फिर नीचे बच्चे की स्किन जो होती है ना बड़ा नरम सा नाजक सा है, गर्मी में भी पहन सकते हैं, ये इस तरह का बनाया उन्होंने, सर्दी और गर्मी दोनों में चलेगा ये स्टफ। ये तीन 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 का पेयर, तीन का पेयर है, ये भी मेरे ख्याल 700-700 बताते थे, 500 लगाया उसने, तो तकरीबन उन्होंने 5 लगा दिया या जो भी लगा दिया, मैंने आपसे कहा ना तो टोटल बिल करा के फिर हमने 500-600 रुपया ऊपर से छुड़वा दिया। ये तो ये बड़ा भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें हाँ जी हाँ जी, इधर से खुलेगा, खुलेगा तो इधर से, लेकिन खुलेगा कैसे दिखाइए, खुल गया ठीक है, ज्यादा लगी, ये देखिए ये बड़े साइज का, इनके स्टफ जो है ना ये गर्मी वाला स्टफ है, नहीं ये सर्दी वाला जरा, ये थोड़ा बड़ा साइज है, और दिखा देती हूँ इसमें, हमें स्टफ थोड़ा डिफरेंट है, चेंज है, ये नरम है बनेंजा वाला जैसे नहीं होता, ये तीनों स्टफ के हैं, इसमें तीनों स्टफ हैं, जिसमें जिस मौसम में जो नॉर्मल में जैसे भी। अब ये देखिए मैं सारे दिखाऊंगी, कलर बड़े प्यारे लगे तो मैंने कहा एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइम काम आ जाएंगे, हालांकि हमें इनकी जरूरत नहीं थी। तो ये बड़ा है, ये 6 मंथ तक जाएंगे, आप देखें आपका बेबी हेल्दी है या तेजी से बढ़ फूल रहा है तो उसको ये आ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये बड़ा है ये 6 माह के बच्चों के लिए, तो ठीक है। ये जरा थोड़े से ना जब हम बाहर आए ना उससे वो महंगे लगे हैं, बहुत ही महंगे लगे हैं, बाहर चीजें सस्ती थी बाजार लोकल मार्केट में ना, तो वहाँ बहुत सस्ती, यही चीजें यही स्टफ यही वैरायटी यही कलर सब कुछ ये था, मगर ये होता है कि ऊंची दुकान और फिर उसका उसकी प्राइस भी तो ऊंची होगी, उन लोगों ने लाइटों का खर्चा देना है, किराया इतना ज्यादा देना है, क्या करें बेचारे, अंदर गाहक भी इतने नहीं ज़्यादा आते, रोटी तो अल्लाह ने देनी होती है, तो वो फिर जाहिर उन्हीं से लेके उन्होंने पूरा करना होता है। तो बाहर वालों की गाहकी थी ऐसे अन्नी पड़ी हुई थी, लीगर जैसी चीज़ें कोई बांट नहीं रहा, इस तरह था इन दुकानों पे, क्योंकि कुछ सीजन भी डिलीवरियों का शादियों का है, जिनकी पिछले साल शादी हुई तो आजकल बीवी तो माएँ लेंगी ना ऐसी चीज़ें, सास से माएँ या लोग गिफ्ट शिफ्ट, मैं आपको देती ये आपके देखें जूते यहीं पे देखते हैं, ये भी एक निकाल के दिखा दे, ये नीचे ये जूता है, अच्छा ये वैसे इसकी प्राइस है 500, अम्मी उसने कितने कितने के लगाए, हमने उसे कहा था 500, 350, 350 के लगाए, 500 हाँ, मैं कहता 250 एक खोल के दिखा दे, तो मैं आपको ये एक निकाल के दिखा देती हूँ, पास से आज हम ला के पहनाएंगे तो फिर हम आपको पिक लेके दिखाएंगे पाँव की, ठीक है हाँ जी हाँ जी, ये भी ऐसे ही है, ये भी देखें ये भी ऐसे ही नीचे से ऐसे करके निकालने, मैंने वो पैक रखे हुए, ये आपको खोल के दिखा दूँ, ठीक है ये देखें, ये
आपने जब नहीं पहनने होंगे, आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी, तो आप ये सारी चीजें ना अगर पहनी हुई है तो उनको वॉश करें, धोएं, उनको कंफर्ट लगा के किसी छापर में बंद करके किसी कबर्ड में रख दें, इंशाल्लाह दूसरे बेबी भी इन्हीं चीज़ों में पल जाएंगे, आपको कभी भी नहीं लेने पड़ेंगे। ये कपड़े आपको खोल के नहीं रखाए थे, कपड़े जो है ना बड़े ही महंगे दे रहे थे, यकीन करेंगे 2500 का सूट, 3000 का, 3500 का, लेस ही नहीं करने पे आ रहे थे, मैं क्या बताऊँ आपको, पूछे ना कुछ। इसके साथ इसका स्टफ बड़ा अच्छा, ये देखिए अंदर डबल है, ये 6 माह तक 8 माह तक 1 साल तक भी आप पहन सकते हैं बच्चों को। तो ये मैंने इसलिए डिजाइनिंग वाला बड़ा अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। ये देखिए तो ये कोट बड़ा प्यारा लगा, देखे ना वाटर प्रूफ है, बारिश बुरिश में पहना भी हुआ, कभी बच्चे को पकड़ा तो बारिश नहीं असर करेगी इस पर। ये बेबी कोट है, बड़ा प्यारा लगा, लेडीज है वैसे है तो बड़ा अच्छा है। ये देखिए इसके अंदर डबल डबल बूट था, ठीक है, ये था सूट और वो फ्रॉक था, 3500 इसका मांगा, 2500 फ्रॉक का मांगा, लेकिन मैंने उसको नहीं दिया, मैं जो ये जी फ्रॉक लिया, ये थोड़ा सा उठा के दिखाई, हमने इसलिए लिया कि हम चाहते हैं कि छोटा सा फंक्शन करेंगे, थोड़ा सा पीछे मी, थोड़ा सा पीछे, ये माशाल्लाह कितना प्यारा है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ हमने कंट्रास्ट इसका किया, ये अगर हमें ब्लैक मिल गई तो, अगर ब्लैक मिल गया तो फिर ब्लैक, ये जूता है, ये जूता हेयर बैंड, ये देखो दिखाएं, ये हेयर बैंड है, जूता है, व्हाइट पहनना चाहो तो व्हाइट हेयर बैंड इस्तेमाल करो, ठीक है ना, इसके साथ दोनों चलेंगे, इसके साथ कंट्रास्ट में, ठीक हो, बेबी कंट्रास्ट करना चाहिए, ये चले ना, ठीक है। और अब आप ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको कहा था कि उसने हमें बड़ी रीजनेबल प्राइस पे दी है, बड़ा अच्छा बच्चा है, आप भी सदीक मार्केट से लिया है, सदीक मार्केट के में के अंदर नीचे बेसमेंट में नहीं जाना आपने, ऊपर से ही आप जब जाएंगे ना उल्टे हाथ मुड़ेंगे तो पहले ही उस बच्चे की शॉप है, मैं उसका आपको कार्ड भी अभी कार्ड अभी शो कर देते हैं, व्लॉग में शो कर देते हैं, शो अभी कर देते हैं, आपको यानी इसका क्या है, अम्मी बाद में पैक कर लेंगे, आप बाकी चीजें दिखा दें, अच्छा ये हो गया, हाँ जी, ये हमने जो चूड़ियां ली थी अम्मी को भी पहनी है, तो ये 150 की, 1.5 दर्जन है, मैंने देखी है तो 1 दर्जन 3 चूड़ियां, वो भाई ने जरा डंडी मारी बच्चे ने, कोई बात नहीं, ये 1 दर्जन है, नहीं ज्यादा है, एक दर्जन और 3 चूड़ियां और एक मैंने गिनी, और ये क्या 2 दर्जन है कहीं, ये देखिए ये भी नहीं 2 दर्जन, और इसमें से टूटी हुई भी इतनी है, ये भी नहीं 2 दर्जन जनाब, ये दो हैं टूट गई हैं, नहीं जी ये 1.5 दर्जन या हो सकता चलो 2 दर्जन ही टूट गई हैं, लेकिन उसे टूटी हुई लगाई है बीच में मैंने, ये भी उसी दुकान के पास से ली गई, ये जो है ये कांच की चूड़ियां पहननी है तो चलो ये टूटती नहीं है, प्यारी लगती है, 100 रुपए दर्जन, ये भी देखे ना, माँ जॉब करती है तो साथ में इसके फॉर्मूल की क्वांटिटी तीनों में मुख्तलिफ है, ज्यादा से ज्यादा 1 बजे तक अगर रहती है, वहाँ 2 बजे तक रहती है, एक फीडर बना के पिला दिया, मदर फीड कराई, बीच में ये 3 बॉक्स इनफ है, आप चाहे तो देखे बच्चा ज्यादा बड़ा किसी में आप वो भी इसीलिए वो क्या नाम है उसका वो बना के दलिया सीरीलैक जो भी नरम गजा एक में वो डाल लें, एक में छोटी जो भी चीज खाता है, 6 माह का बच्चा खाना शुरू कर सूप रख लें फीडर में डाल के, एक में आप वो फार्मूला डाल लें या डिफरेंट या तीनों में डिफरेंट मकदार में फार्मूला डाल लें, जिस तरह अपने लिहाज से जिस तरह आपने लेके जाना और बैग में डाल लें, बेबी बैग बिल्कुल चलें। ये हमने लिया डायपर, ये 2 लिए हैं, ये 250 में मिले 2, ये जब आप मालिश करें तो आपका बेबी पेशाब कर देता है, तो पैंपर उतारा होता है ना तो इधर उधर ना बिखरे, आप ये वाला पैंपर यूज कर ले, बेबी को नंगा भी नहीं रखना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपने ये उसको लगाना, इसके अंदर बड़ा नरम सा स्टफ सा कपड़ा, बेशक आप अपने पुराने जो लॉन के भी कपड़े हैं ना, नहीं पैंपर की तरह ही जज़ब करता है, लेकिन अगर रखना भी है तो, अगर आप चाहते हैं सर्दी है तो यकीन करें सारा दिन इसमें लॉन का दुपट्टा रख के ना 1-2 घंटे बाद देख सकती हैं, मालिश करें, पैंपर नहीं आप यूज कर सकती, नहीं फोल्ड कर सकती, इसमें लॉन के दुपट्टे जो है ना वो रख के आप लगाती रहे तो रात को एक पैंपर लगा, दूसरा ये है कि बच्चे को खुला भी छोड़ना चाहिए, तो ये देखें ये बड़ा खुला खुला होगा, तो आपने इसको ना जिस हिसाब से लगाया तो ये खुला खुला होगा, टांगे वगैरह मारेगा, अगर पेशाब निकल भी जाता है इसमें जो सारा जज़्ब हो जाएगा, ये हमने 2 ले लिए, 2 लिए 250 में, सही ये भी आपने, ये भी हमने वो ना आरों वाले बाजार से आगे जाके वो बड़ा बाजार है ना वहीं से लिए, बाहर ही लटके में ले सकते हैं, ये शूज उसने 550 के बताए थे, बड़े क्यूट लगे तो मैंने ले लिए, हमने इसको भी कितने दिए थे सारे टोटल, इसका तो 4000 ही दिया था, 4-5000 बाद में चीजें जो ली थी, हाँ तो ये देखिए ये भी ये उसने 350
लेकिन बहुत अच्छी रीजनेबल प्राइस लगाई है, 250 ही लगाया हमें, 250 ही लगाया कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन अभी खोल इसलिए नहीं रहे कि यूज नहीं करने, गंदे ना हो जाए, तो इसी में पैकिंग आई है। देखिए ऐसे ही रखने जब आपने यूज करने, बेबी कैट बनी हुई बड़ी प्यारी लगी है कैट, तो बच्चे बड़े खुश होते पहन के हैं। एक साल तक चल सकते हैं, 6 माह तक तो इजीली चल सकते हैं। जब बगैर सॉक्स के पहनोगे तो 1 साल के बच्चे के पाँव में भी आ ही जाएंगे, सॉक्स मोटी ना पहने। एक और मैं आपको चीज बताऊँ, ये देखिए ये मैंने ली है इसकी कैप, कैप मेरे पास ऑलरेडी 3 ही थी तो 3 और ले ली। अभी सर्दी है, 1.5-2 माह बच्चा अभी देखें 25-26 दिन का, अभी 3-4 माह इसको बड़ा अच्छे तरीके से बचा बचा के आपने रखना। तो ये मैंने कैप जो ली है सूटों के साथ मैच भी कर रही है सारे रंग, और कुछ फैंसी भी हैं तो कुछ एक ही सूट के साथ मैच करेगी, ये डिफरेंट सूटों के साथ, और इतनी रीजनेबल होना तो कलर मेरी है। एक एक कैप जो थी ना, वैसे बड़ी दुकान में 500, 450, 700 ये हमने जी उसे कहा टोटल 600 लगाओ, उसने 600 लगाया, 3 दे दिए मैं आराम से, आराम से दे, बड़ा अच्छा था। उसके बाद उससे हमने ये पेयर लिया, ये तो उससे लिया था, बच्चे ने कौन सा चल के जाना होता कहीं तो होता तो गोद में या कंबल में है तो पहना दे आप जो भी है, शूज जैसी लगती है ये करते ये सही, और कलरफुल थी जरा मुझे अच्छी लगी, शूटों के साथ अच्छी लगेगी। पहनाने में इतनी दुश्वारी होती थी, तो कल फिर ये एक मैंने कहा चलो बेबी की पैंट शर्ट भी तो होनी चाहिए ना, तो एक और है वो, और एक ये वो कोट के साथ मैंने आपको अभी दिखाई है, जैसे कि ये दिखाई है ये वाली, तो एक ये होगी पैंट शर्ट, ये अभी पहनेंगे अभी आ जाएगी इसको, हो सकता आज पहने या कल पहन दिया, ठीक है। ये मुझे बहुत पसंद आई है, ऐसे कपड़े जो बटनों वाले होते हैं ना आगे से, ये देखें जैसे ये आप खोल लेंगे इजी पहने आप, बच्चे के ना 6 माह तक उसके बाजू जिस्म उसकी बोंद कच्ची होती है, आपको ऐसे कपड़े लेने चाहिए जो पहनने में आसानी हो, तो मैं ये कपड़े लेती हूँ फिर ऐसे। मैंने ऐसे अपने बच्चों को भी बनाए थे, अब मेरी निवासी आई है तो मैंने उसके लिए भी ऐसे कपड़े लिए, ठीक है। तो ये मैंने ना चेंज करवाया, वो सूट बहुत अच्छा था तो, लेकिन मैंने एक वाला रख लिया, वो पहनाया करो ना जरा उससे हक लो, तो ब्लू वाला हाँ वो पहनाया करो, ये पहन के ना सारा वो कोट ऊपर पहनने की, ठीक है ऐसे भी पहन। कौन सा वाला कोट? ब्लू कोट कौन सा पहनेगा? अच्छा कोट सा पहन लिया, चलिए ठीक है। जैसे आप हमने ना शाम को नहलाएंगे ना, फिर ये तो हमने एक्स्ट्रा लिया, अभी नहीं आएगा माँ के बेबी का, लेकर ये गर्मियों में भी पहना जाएगा। ये देखें इसकी लेगी है कितनी खूबसूरत है, माशाल्लाह ट्राउजर्स है, तो ये इसकी हुडी है, ये इसका अंदर हुडी को भी सही सीधा करके खाए में, ये देखें तो ये देखिए ये जिप वाला देखें खोलेंगे और आराम से, ये देखे खोला यूं खोला और आपने खोल के यूं बाजू पहनाया, ये देखे ठीक है ना। तो मैं देखे जिप बड़ी प्यारी सी लगी हुई है, मुझे अच्छी लगी। ध्यान नहीं देखे क्या हुआ कुछ नहीं, तो ये देखे ये ले ली मैंने, अभी टाइट है ना, खुला नहीं है ना ज्यादा बार, ये देखे इसकी जिप जरा ना आपने घर ला के जरा सही कर लेनी है, हो जाती है वो इसकी निकल गई है, ये देखें ये निकल गई है तो वो डल जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ तो ये ले ये, तो जिप वाले कपड़े जरा ना अच्छे रहते हैं, ये देखें ये बेबी का शूट है, चूची बेबी का, ये ले सही है ना, ये चलो जी अब जिप अम्मी शॉपर में ध्यान से डाल दें, वो जो है ना बेल्ट ही नहीं एक दो अम्मी एक का है, ये दो ही इसी के अंदर इधर ही होगी निकली तो दो ही है, चलें आप एक का ही बता दें, दूसरी भी ऐसी होगी नहीं इसमें तो नहीं है, वो शॉपर में ही होगी, फिर शॉपर में ही होगी उन्हें तीन दो आपने देखी थी। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा है या बहुत ज़्यादा जिस्म हो जाता है, पहले एक्स्ट्रा लार्ज ली थी नेमत खाने से, 700 की आई थी वो, फिर नीचे नाफ पे बांधती थी टांकों वाले हिस्से से लेके ना, वो जो जिस्म था ना नीचे, तो वो फिर ऊपर करके ऐसे यानी कि टांके साफ करने ये वो हो जाता है ना डिलीवरी के बाद, तो वो यकीन करने लगा आई है ना, तो वो इतनी खुली होगी कि पेट जो है ना ये 20-25 दिन में बिल्कुल वो आधे से भी ज़्यादा चला गया। तो आप लिक्विड चीज़ें ज़्यादा खाएं, रोटियां ठोस ठोस के ना खाएं, ज़रा पेट फिर
आपका बाद में। तो ये आप दो लेके आए, ये मसलसल लगाते रहे, यकीन करेंगे देखिए कितनी ग्रीप है इनकी। ये आपने अपना जिस्म ना इतना करना है कमर, अगर आपने इतनी कमर करनी है, यानी कि ये देखें ये कमर होती है लेडीज़ की, आपकी कमर ये होनी चाहिए। अगर आप अभी शुरू आता है ना आपका पहला बेबी, तो आपकी ये कमर थी, आप पहले नाप लें प्रेगनेंसी पहले शादी से पहले आपको पता आपकी ये वेस है, तो आपने उस हिसाब से लेके आना अपने आप को। तो आपने देखे ना ऐसे लगाया, अगर आपकी अब ऐसे है फिर थोड़ी कम हुई, ऐसे लगाया फिर ऐसे लगाया फिर ऐसे लगाया, जितनी आप कर सकते हैं कोशिश करें कि यहाँ तक लिए आपकी कमर ऐसे हो जाए, फिर आपने दूसरा बेबी ले लिया। तो ये इसलिए चले ये आएगा, फिर आपने ये भी देखे, देखें ये आपने कैसे लगानी है, ये आपने बैक साइड पे कमर पे ले जाना हिस्सा दरमियान में कमर के, उसके बाद लेके आना घूम के कस के लेके आना, जहाँ तक कस के लग जाए जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ये नहीं कि आपका सांस घुट रहा है तकलीफ हो रही है, जितनी आप इजी महसूस करते हैं वहाँ तक ले जाके, यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे, वहाँ आपने ऐसे करके लगा देनी, तो वो फिर इंशाल्लाह आपको ना बड़ी जल्दी फर्क पड़ेगा है। तो फिर अगर आपकी टांगों का जिसम जो है ना थाई जो है वो आपके बहुत लूज हो चुके हैं, आपने उन पर भी लगानी शुरू कर देनी पेट कर। चलो ये मैंने करके ये लिया था कि अलग अलग इसमें चम्मच वगैरह ये वो कलर, तो वैसे मुझे घर आके एहसास हुआ कि ये नहीं कलर लेना चाहिए, कलर वो ले कोई जो जिसपे मैल या ये वो नजर आए, इसमें मैल बहुत जल्दी नजर आएगी, लेकिन मैं इसको शो अम्मी वो दोनों ही हल्के थे, दोनों ही हल्के थे अंकल के पास। हाँ लेकिन अभी तो अकड़ा हुआ ये, इसमें हाथ चला जाएगा जरा सफाई हो जाएगी, मैंने इसलिए ये ब्रश से धो लेना, ब्रश से भी धुल जाएगा। तो वो मेरे पास पहले एक बहुत अच्छा है लेकिन वो ना गंदा हो जाता है स्किन कलर का, तो चलो ये भी जल्दी करना है ना यार, अल्लाह और दे देगा। ठीक है चलें जी नेक्स्ट दिखाएं। उसके बाद हाँ जो कि मैंने तोड़ दी थी है ना, वो 2500 रुपया मांग रहे थे, 3000 बताया था, 1500 2500 मांग रहे थे, मैंने कहा नहीं 2 का 1500। और माशाल्लाह बहुत अच्छी, भी खोल के दिखाना है, ये किसी कैंची आपके पास है, 400 की खरीदी, ये बच्ची ने आपको क्वालिटी दिखानी दिखानी है, तो मैं कहती हूँ जरा लंबी वीडियो ना हो तो ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये अब हो गई है लंबी, तो ये देखिए माशाल्लाह पीछे से दिखाएं मैं, और अच्छी अच्छा खासा वेट है, कलर भी बहुत अच्छा, वेट बड़ा है, और ये देखिए सारी चीजें आ जाएंगी लिखा हुआ इसके ऊपर, सलाद रोटी सालन रायता अचार पानी जग गिलास, ये सिंपल वही इसका इसके ऊपर जो लोगो लिखा हुआ, जब आप देंगे तो ये लिखा हुआ देख के, ये तो हमने अपने अंकल से लिए, बहुत अच्छे बर्तन देते हैं, ये हम लेते हैं बैंक वाली गली में, बोला बर्तन वाला मशहूर है, तो आपने वहां से लिए। ये माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छी, देखिए डिजाइन कितना प्यारा है, एक हम घर के लिए लेके आएंगे, सदाती ने इन्होंने भी दी है जी, बड़ी प्यारी, अच्छा बहुत सही था, ये मैंने ना नमकदानियाँ घर में नहीं थी, जब वैसे तो डिसेंट वाली जो बड़ी अच्छी वाली थी सेटों के साथ ही, तो आम यूज करने के लिए जैसे कोई ऐसे मेहमान आ गया तो बंदा फटाफट से दो कुछ चीजें डाल के रख दे, ये बाजार में से लिए ये फिर लिए। हाँ ये देखें प्यारी है, इसका 300 दिया दोनों, वैसे 500 मांग रहे थे, 600 मांग रहे थे, 300 दिया है इसका है। तो ये मैंने ये देखे, इसमें मिर्च डाल लें, नमक डाल लें, काली मिर्च डाल लें, कुछ भी डाल लें, अगर आपको मजीद ज्यादा चीजें डालनी तो आप 2, 4, 6, 8 जितनी लेना चाहे, हमने 2 ली हैं, 2 मैंने ली थी तो 2 इसने, वो तो खैर बर्तनों के साथ आई थी, ये तो अलग से। अब हम आपको दिखाएंगे प्रेशर कुकर, तो ये होगी तकरीबन 3-4 साल बाद उसने ना, वो हमारे अपने ही हैं तकरीबन, हमसे कर लेते हैं तो, लेकिन फिर भी देखें ना जब 3-4 साल बाद चीज़ वापस लेके जाएंगे तो वो अगले कहेंगे कि फिर ये तो नहीं है ना कि हर बंदा वापसी पे लगा रहे, वापसी पे चलेगा। ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखें ना वो प्रेशर कुकर बहुत 2-3 बार फटा, किचन भी इतना गंदा कर दिया, पाए पकने रखे हुए थे तो उड़ के इधर जा उधर जा, बड़ा कुछ होता था, तो वो प्रेशर कुकर हमने उनसे कहा कि ये आप चेंज करके दें या कुछ करें, उन्होंने हमने वो प्रेशर कुकर दे दिया उनको और कुछ पैसे और डाले, यानी कि 3500 रुपया और दिया है, तो ये 5500 का बताया, 5500 का उन्होंने बताया, ये तो हमने घर के प्रेशर कुकर के लिए नई रेजर लिया है, ये पता नहीं रबड़ कैसी है, डाल के देखेंगे क्या है, तो कहते हैं अच्छी है बस, ये इसका शीशे का ढकना है, दिखा दें खोल के, खोल के दिखा दें आप चाहें तो, ये मैंने निकाला, ये ढकना मैं आपको बताऊंगी, इसका ये हैंडल है,
ये आपने जब यूज करना होगा ना तो यहाँ पे करके लगा लेना आपने, है कैसे लगाना ये देखें, ऐसे आएगा ये पेज खुलेगा, ये पेज नीचे से डालेंगे ऊपर से यू रख के यूज करेंगे दिखा ये डाले लग गया ठीक है। ये जब यूज करेंगे तो फिर से तो ये मैंने आपको दिखा दिया है प्रेशर कुकर की ये कड़ाही प्रेशर कुकर है इसको आजकल ये बड़ा चल रहा है भाई। तो मैंने कहा चलो यूनिक ले लेते हैं थोड़े पैसे और डाल के, बच्ची ने कहा अभी नए टाइम का लेते हैं ये देखो। हाँ ये नेशनल वालों का है, आपने इसकी डिज़ाइनिंग इसकी हर चीज़ इसकी फिनिशिंग आपने जब लेके आना फ़ौरन यूज़ करके देख लेना एक बार, अगर आप लेके रखना चाह रहे हैं ना अच्छा। इसके साथ ये बुकलेट होती है आपको कुछ भी करने की जरूरत, आप खुद घर में आके पढ़ सकते हैं। ये रेगुलेटर है इसका ऊपर देने वाला है ये देखिए ऐसे ही है। और ये रेगुलेटर दिखाइए हाँ जिसको सीटी बोलते हैं ये वेट है वेट। ये आपने इसका यूं लगाना है, अगर आपने प्रेशर कुकर लगा के पकाना है तो यूं पकाइएगा, अगर आपने बगैर वैसे ही कोई वेजिटेबल बनानी है तो ये नहीं यूज़ करना, ये उठा के रख देना तो आपने फिर इसके ऊपर ना ये दे के पका लेना, ये आप आपकी ना कढ़ाही बन गई। ये देखिए डुअल फंक्शन है, ये टू फंक्शन है इसमें। और दूसरी बात एक मैं और आपको बताऊं कि जब मेहमान आते हैं ना तो आप यूं ही उठा के भी ना पूरी बनी बनाई कढ़ाई ये ढकना देके आप टेबल पे यूं रख सकते हैं, आजकल ये भी फैशन है ठीक है। इसके नीचे एक निकला स्टैंड स्टील का वो टेबल पे रखें और यूं रखें आप। हांडी आपकी तैयार है, पक गया प्रेशर कुकर, गोश्त कुछ भी बनाया बड़ा छोटा आपने ये ढकना दिया और यूं आपने टेबल पे ला के रख दिया मेहमानों के आगे, किसी डोंगे शोंगे की ज़रूरत नहीं। तो अगर आपने वेजिटेबल बनानी है तो ये ढकना दे ले, अगर आपने कुछ चीज़ें जल्दी गलानी है तो ये ढकना मैंने आपको बार बार बता दिया। आप देखें इस प्रेशर कुकर के ये दोनों फंक्शन आपको बता दिए हैं, अब आप देखें आप भी खरीदें, खरीद के देखें कैसा लगता है आपको, इसका क्या रिजल्ट है, मैं इंशाल्लाह यूज़ करूँगी तो आपको दोबारा बताऊँगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ करती हूँ, अभी सिर्फ कपड़ों का दिखाना है वो भी दिखाते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आप ये हमने अंडरगारमेंट्स लिए हैं जो कि लोकल मार्केट से हमें बहुत सस्ती मिली है, यानी कि ये 150 में मिला है, ये 250 में मिली है, जबकि हमने नेमत खाने में से ये 700 का लिया था तो फिर हमने वहाँ से ज़्यादा नहीं मिली तो फिर हम लोकल मार्केट से लेके आए, ये हमें बहुत सस्ती मिल गई 500 की, तो ये 600 के चार ये ठीक है ना। तो आप भी देख रहे हैं आपको जहाँ से अच्छी रिजनेबल प्राइस में मिले चीज़ वहाँ से आप परचेज़ करें, देखें ना खुफाइशारी से बंदे को चलना चाहिए। तो ये चीज़ें ये भी हमने आपसे शेयर कर ली हैं ठीक है, ये सारी चीज़ें शेयर हो चुकी हैं, अब हमारा जो भी शॉपिंग थी हमने आपको बता दी है। तो आप अब हम आपको कपड़े दिखाते हैं ठीक है। हमने अच्छा ये हमने ना सदीक मार्केट के अंदर एक दुकान है वहाँ से हमने सारी जितने भी कपड़े लिए वहीं से लिए। ये हम साड़ी के लिए पीस लेके आए वेलवेट का, ये देखें ये इम्पोर्टेड वेलवेट है, तो इसकी साड़ी बनेगी, इसका पल्लू जो है ना वो हमने ना ऐसे कामदार लगाना है। अभी तो ये डाउट पे है लेके आए दिखाने के लिए कौन सा सिलेक्ट करते हैं, ये वाला करते हैं या कोई और दुकान से लेते हैं ये नहीं पता, यानी ये पल्लू बनाएंगे और ये साड़ी बनाएंगे, इसकी कीमत का भी नहीं पता। उन्होंने हमें कहा था अगर आप लेते हैं ना किसी भी जाके ब्रांड से तो ये 15,000 से कम नहीं आपको मिलेगा। और ये इम्पोर्टेड है और ये भी कौन सा ब्रांड की, फोनिक्स वालों की, ये एक मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है इसके लोगो है। सारी देखे ना मोर वगैरह लगी हुई है सारी कन्नी पे, सारी वो उन्होंने बनाई हुई जो आप देख के भी कर सकते हैं। हाँ, ये जो कपड़े होते हैं ना इम्पोर्टर उन पे ये बनी होती है, ये लिखा हुआ है, ये देखें आपको नजर आ रही है। तो हमें उन्होंने बड़ी रीजनेबल प्राइस बताई थी लेकिन अभी देखते हैं लेनी हुई तो उम्मीद है 7,000 के अंदर हमारी साड़ी, ये उन्होंने कहा कि 2,000 का 1 मीटर कपड़ा देते हैं गाज़ी यानी 10,000 के अंदर तैयार हो जाएगी सिलाई डाल के अंदर तैयार हो सकती है बड़ी खूबसूरत साड़ी जो कि आप 30-40,000 में लेंगे। हाँ इससे भी वेलवेट की तो अम्मी बहुत एक्सपेंसिव होती है ना, बहुत ज़्यादा 50-70,000 बताते हैं लेकिन ये हम बहुत थोड़े पैसों में खुद तैयार करवाएंगे ना तो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये मैंने आपको कपड़ा शेयर किया कि आपने भी इस तरह बनानी है, फिर बना के लगा के भी आपको बता देंगे अगर ये सिलेक्ट हो गई तो ठीक है इंशाल्लाह हो जाएगी। उसके बाद एक ये सूट लिया हमने, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ ये भी उनकी दुकान पे था, देखिए एक हिस्सा उनका डिजाइनिंग वाला है, ये हिस्सा उसके साथ ही प्लेन है,
यानी इसके अर्ज में ना आधा जो है ना वो आपकी कुर्ती का जो आपका दामन है ना वो आपके दामन के मुताबिक है हुँ? तो आपके दामन के मुताबिक है वो आपने एक तरफ से कमीज बनानी है, एक तरफ से शर्ट बनानी है। ये देखें मैं आपको बता ही दूँ, क्योंकि ये देखें ये इतना इसका अर्ज है जो आपने करना है। ये देखें ये अर्ज है, प्लेन प्लेन वेलवेट है, इसी वेलवेट में डिज़ाइनिंग की गई है। ये तारों वाली हो गई क्या इसको कहते हैं मुझे नहीं यार पता, तो ये है डिज़ाइनिंग वाली। ये शर्ट है वो शलवार है, ट्राउज़र जो चाहे बनाएं, शलवार बनाएं, ट्राउज़र बनाएं, शर्ट बनाएं, फ्रॉक बनाएं, जो आपकी मर्जी, यानी सूट पीस है आपका। तो ये हमें ना उन्होंने दो सूट थे तो हमने 3000 में लिए, ठीक है। एक ये, एक ये और ये अभी बच्चियाँ डाउट पे है, देखते हैं नहीं पसंद करेंगी तो मैं चेंज कर लूँगी, मैं इसी के दो पीस ले लूँगी, यानी दोनों लिए हैं। हाँ तो वो कहता है ये भी इम्पोर्टेड ही कपड़े हैं, लेकिन कहीं कहीं से ये लॉट में से निकले होते हैं, लॉटों लेकिन ये होते बहुत ज़बरदस्त हैं। हाँ तो आप ये शर्टें बनाएं, यकीन करें के साथ मैचिंग कमीज़ें बना लें, शलवार ट्राउज़र जो भी, और दुपट्टा लें या चादर लें, इतना प्यारा सूट बन जाएगा, नहीं बना सकते। उसके बाद देखिए एक ये शर्ट है, ये भी क्रैश वेलवेट में। अच्छा इस तरह के मैंने सूट देखे थे गुल अहमद पे लगे हुए थे, ऑफ पे भी गर्मियों में लगे हुए थे, 8-8 हज़ार का ना एक सूट था, 8 से 10 हज़ार का ना ऑफ पे लगा हुआ था गुल अहमद का। ये हैं भी गुल अहमद के, लेकिन ये इसमें ये है कि ये देखे ना कि इसका दुपट्टा नहीं है, हाँ किसी का दुपट्टा है, तो हमने इसके साथ मैचिंग की है, तो दुपट्टा कोई भी ले लो। दुपट्टा हम लोग तो घर में टोपी वगैरह यूज कर लेते हैं गर्मी में, सर्दी में। तो हमने फिर ये शर्ट ले ली है, एक ये शर्ट है, ये इसके साथ हमने एक ये पर्पल कलर है, इसके साथ सलवार मैच करनी है अभी। हाँ इनकी मैचिंग दो शर्टें हैं ना, इनके साथ अभी सलवारें मैच हो जाएंगी, दो हो गई। और एक हमने ये लिया, ये बड़ा अच्छा ही यकीन करें इसका कॉम्बिनेशन बना, ये देखेंगे ये इसके साथ ना ये ट्राउज़र बनेगा, पेंसिल ट्राउज़र, जब छोटे पांचे वाला बना के शर्ट टाइट और लॉन्ग बनाए वो भी प्यारी लगेगी, कुर्ता बना आप टाइट और लंबी शर्ट बना के थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बड़े पांचे वाला ट्राउज़र या फिर शलवार जो आपको पसंद हो, ये एक बच्ची ने पसंद कर लिया तो उसको देना, ये भी बहुत अच्छा। ये शलवार जो है अलहदा से 700 की मिली है, तो ये सिलक भी दिखाएं कितनी मोटी है, ये बहुत खोल के दिखा दें, मोटी वाली सिल्क ली है, इसमें से तांगी नजर आएगी। भाई जान अरफान से लेते हैं हम कपड़े, वो उसका कार्ड भी हम आपको शेयर कर देते हैं, ये देखिए कार्ड दिया ना आपको, हाँ जी हाँ जी कार्ड दिए, ये मैं कार्ड आपको अभी शेयर कर लेते हैं, इसी दुकान पे आप जाएं इंशाल्लाह। वैसे तो मेरे पास पहले, हाँ जी यही है, यही है, ये कार्ड है, ये नंबर है, पूरा एड्रेस देखना, बड़े सस्ते कपड़े देते हैं, हर किस्म के मिलेंगे आपको। ये जी ये इनका कार्ड हो गया, और अम्मी बाकी शॉपिंग के भी कार्ड हम शेयर कर देते हैं, बाकी आपके पास है। ऑक्सफोर्ड क्या लिखा हुआ है, देखिए ऑक्सफोर्ड लिखा हुआ है, नहीं ऑक्सफोर्ड ही लिखा हुआ है, ऑक्सफोर्ड। और ये देखिए ये उसका, मैं आपको देखिए ना कार्ड शेयर कर रही हूँ, अपने दीख करके खोल के देख के पढ़ के वहाँ जा सकते हैं। नहीं अम्मी ये तो किसी का टैग कार्ड है, ये उसकी दुकान का कार्ड नहीं है। हाँ दुकान का, लेकिन ये है कि चले बिल शेयर कर देते हैं हम आपके, ये बिल है हमारे, ये उन सारी चीजों का, चीजें लिखी हुई हैं और बिल भी है। इस मार्केट के ऊपर वाले पोर्शन से आपने जहाँ पे सीढ़ी खत्म होती है ना, आपने उल्टे हाथ मुड़ना है, दूसरी दुकान है, पहली छोड़ के दूसरी है, है? तो हमने लिया, ये प्राइस है, ये कार्ड है, ये कार्ड देख लो, उसने पहले 3200 का बताया था, तो और चीजें लेके, ये जिससे हमने रेडीमेड फ्रॉक्स ली है ना, रेडीमेड फ्रॉक्स, चेंजिंग शीट्स एटसेट्रा, ये उनका कार्ड है। हाँ। और ये बिल है जो उन्होंने लेस करके लगाया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये शर्ट और ये पूरा सूट बन गया, यानी मैच कर लिया था। अब मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, यकीन करें सिलक जो है ना बहुत खूबसूरत और मोटी है, 1000 से कम नहीं शलवार देते थे, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने तो फिर टोटल ही दिया। ये देखिए ये सिलक की इसके साथ शलवार लगाई है, वो मोटी सिलक, क्या करें, वेलवेट नहीं मैच हो रही थी और उनके पास थी भी नहीं, कभी मिल गई तो वेलवेट की भी हो जाएगी। ये है शर्ट, देखें ये शर्ट है, इसको मैं पूरी को आपको, अब आपने ना ये माशाल्लाह से शर्ट बनेगी, जब आप पहनेंगे तो पता चलेगा कुछ पहना है, इतने सस्ते दामों आपको अगर 2-2 पीस भी मिलते हैं। और इसके साथ देखे ना ये शर्ट, और शर्ट का दुपट्टा भी वेलवेट का मिल गया, क्रैश वेलवेट का, ये देखिए ये मिल गया, खुशी इस बात की है, बिल्कुल इसका मैचिंग है, ये
भाई जब कहते हैं ये इसी का मैचिंग है, आप चाहे कुर्ती खोल दे, मैं खोल के दिखा, ये भी दो दो किस्म के डिजाइन है इसमें शर्टी, मगर ये इसका डिजाइन बहुत मिलता जुलता था ना। हाँ जी, ये शाल इसके साथ शाल ले ली, यानी कि 2.5 मीटर का दुपट्टा होता है, 2.5 मीटर की कुर्ती होती है, तो मैंने ये इसके साथ हम ना मैच की, देखें इसमें भी ग्रीन कलर है, इसमें भी वही कलर है सारी, तो ये शलवार, ये पूरा सूट बन गया। अब ये कपड़े आप देखें, आपको पसंद आए, आप आगे ये इनका कार्ड शेयर करें, देखें दुकान बताएं, जाएं यकीन करें, वहाँ से रीजनेबल प्राइस में भाईजान बहुत अच्छे इम्पोर्टेड कपड़े देते हैं, वहाँ से मैचिंग अच्छी मिलती है, और करीब के दुपट्टे बहुत अच्छे मिलते हैं, और सारी चीज़ें तकरीबन बहुत अच्छी। एक मैंने ये ना कोट सी है, ये इस तरह का ये कोट सी है हमने घर में, जब जब पूरा हो गया तो हम आपको कहें कि उसका अस्तर लेके आए हैं उसके लिए, हाँ ये कान सिल्क का अस्तर इसके नीचे लगना था तो ये लेके आए हैं, ठीक है। ये है तकरीबन 2.5-3.5 का, तो हो सकता कोट पे पूरा आ जाए, देखे ना ये जो ये सैड है ना, ये कोई नहीं, आप ये लगा लें, मैं ज़्यादा गहरा नहीं लेके आई, तो इनमें 2 शेडें हैं, एक मिला के लिए, ठीक है। तो ये सारे कपड़े जो है ना तकरीबन हमने 12,000 दिया है उनको साड़ी के बगैर, अब साड़ी का पता नहीं क्या लगाते हैं आप, ये देख लेंगे 12,000 में रीजनेबल प्राइस, ये तो 12,000 का एक सूट भी नहीं है। हाँ, एक सूट भी नहीं, ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो बस मिल गए हैं, वरना नहीं मिलने थे। आप कहीं एक दुकान पे चले जाएं ना, 12-15 हज़ार से कम कोई भी क्रैश वेलवेट का लाइट सा सूट ऐसे कोई इतना नहीं बताते। मेरी एक दोस्त अभी लेके आई है, वो उसने लिया है 7,000 का, वो वाली वेलवेट भी नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा काम हुआ हुआ रेड कलर का, तो दुपट्टा लहदा से मेरे खा लिया उन्होंने, तो वो चीज़ नहीं है, बस काम ही है ताशा के। अच्छा अच्छा, तो ये देखें ये सारा हो गया ना, आपको सारे दिखा दिए, अल्लाह हाफिज़ कर। तो आप देखें ये सारे कपड़े, देखें सारी शॉपिंग देखी है आपने हमारी, तो देखें ना भाई सब्सक्राइब का तो हक बनता है, जो जो मेरी वीडियो देखें, जो नहीं देखते वो भी देखें, वो लाजमी देखें, और मैं कहूँगी कि देखें, हाँ तो आपने देखनी है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना, आगे हमारा भी चैनल आगे बढ़े, हमारी भी मेहनत का फल मिले, और हम भी तरक्की करें। दुआओं में याद रखूंगी इंशाल्लाह। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद।